हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 29 जुलाई की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या जो तथ्य थे उनके बारे में जानेंगे। तो 1567 ईस्वी में आज ही के दिन जेम्स सस्टम स्कॉटलैंड के राजा के रूप में राज तिलक किया गया था जेम्स सस्टम का, जिसे हम जेम्स प्रथम के नाम से भी जानते हैं और जेम्स सस्टम के नाम से ही स्कॉटलैंड का राजा बना था। सन 1655 में आज ही के दिन नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में विश्व का सबसे बड़ा टाउन हॉल खोला गया था। सन 1748 में आज ही के दिन ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी भारत पहुंची थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए। सन 1786 में आज ही के दिन पहला अखबार पश्चिम के एलेगनी पिट्स गैजेट में प्रकाशित हुआ था। सन 1858 में आज ही के दिन अमेरिका और जापान ने हैरिस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सन 1876 में आज ही के दिन भारत में विज्ञान संगठन इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की स्थापना की गई थी। सन 1891 में आज ही के दिन प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री एवं स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद विद्यासागर जी का निधन हो गया था। 1899 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क में पहली मोटरसाइकिल रेस का आयोजन हुआ था। सन 1941 में आज ही के दिन जापान ने चीन और भारत पर अधिकार करने के लिए अपने सैनिक दक्षिणी तट पर उतारे थे 1941 में। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का सहयोगी था। 1949 में आज ही के दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पर प्रसारण हुआ था। सन 1957 में आज ही के दिन यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना की थी। सन 1958 में आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा की स्थापना के लिए विधेयक पास किया था। सन 1981 में आज ही के दिन लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी हुई थी। सन 1983 में आज ही के दिन पहले चालक रहित विमान मानव रहित विमान का परीक्षण किया गया था। सन 1996 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली अरुणा आसफ अली का निधन हो गया था। सन 2010 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 122 देशों के समर्थन से स्वच्छ पानी को मानवाधिकार बनाने का गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया था। सन 2013 में आज ही के दिन फ्रांस के कांस के एक होटल से 10.3 करोड़ यूरो के हीरे की चोरी हुई थी। सन 2018 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में 60,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की शुरुआत की थी। तो ये 29 जुलाई से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।